हेलो, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या किसी भी आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज होगा। ये आपका क्वेश्चन बी एम आर सी इलेक्ट्रीशियन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, बिना आपको आंसर देने पहले तो आपको यहाँ पर वे बता दूँ कैसे आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर एक हमारा सूत्र होता है क्या, एन टू अपान एन वन बराबर के। तो यहाँ पर हमारा पहले दिया क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। ये 3:2, यहाँ पर आपका एन टू दे दिया गया है और यहाँ पर दो आपका एन वन दिया गया है, ठीक है। तो हमने आपको सूत्र बताया एन टू अपान एन वन, ठीक है, बराबर के। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, एन टू का मान यहाँ पर हमारा दे दिया गया 3 और यहाँ पर एन वन का मान 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, के बराबर 1.5 आ जाता है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा वोल्टेज भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज आपका कितना दिया गया है, 30 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है, वोल्टेज भी रखना है, जो कि यहाँ पर हमारा केवल V1 दे दिया गया है, अर्थात V1 वोल्ट आपका 30 दे दिया गया, और V2 जो आपका सूत्र होता है उसके अनुसार V2 यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपका V2 अपान V1 बराबर के से, इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि हमारा जो सूत्र होता है एन टू अपान एन वन बराबर V2 अपान V1 बराबर के, ये आपका होता है सूत्र, और उसी सूत्र पे हम इस सवाल को रख रहे हैं और बहुत ही इजी से आपको लगाने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरा V1 बराबर दिया गया है 30 वोल्ट और V2 बराबर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर V2 बराबर क्या हो जाएगा, के V1 हो जाएगा, और यहाँ पर के का मान हमारा कितना आया है, 1.5 आया है, और V1 का मान हमारा कितना है, 30 वोल्ट है, तो गुड़े हो जाएगा हमारा 30। तो हमारा कितना हो गया, 1.5 × 30 बराबर कितना आ जाता है, 45 किस में आएगा दोस्तों, तो ये आपका वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह ये आपका लगेगा पहला क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो इसी पर आपको एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरो अर्थात टर्न की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 हैं। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा 240 वोल्ट या 0.08 वोल्ट या 2400 वोल्ट या 0.4 वोल्ट। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे लगेगा, सेम वही कंडीशन आएगा जैसे कि मैंने आपको पहला बताया। क्या उसमें सूत्र था हमारा, N2 अपान N1 बराबर V2 अपान V1 बराबर K। यहाँ पर भी सेम हमको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जो हमारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रथम आपका दिया गया N1 बराबर 1000 और यहाँ पर N2 बराबर 3000 और यहाँ पर V1 बराबर 80 दे दिया गया वोल्ट, ठीक है, V1 बराबर 80 वोल्ट दिया गया और यहाँ पर हमारा V2 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमको V2 का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो सिंपली मैंने आपको सूत्र बताया था क्या, N2 अपान N1 बराबर K, अर्थात N2 अपान N1 बराबर K। तो हमारा N2 का मान कितना है, 3000 है, और यहाँ हमारा N1 का मान कितना है, 1000 है। तो हम क्या करेंगे, 3000/1000 बराबर के। तो यहाँ पर हमारा के का मान कितना आ जाएगा, 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा के बराबर 3। ये दोस्तों क्लियर हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखिए, अब हमको V2 अपान V1 का मान ज्ञात करना है। तो V2 अपान V1 बराबर के सिंपली यहाँ पर रखेंगे और के का मान यहाँ पर हमारा 3 निकल के आ ही गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, V2 का मान हमको V2 का मान हमारा यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर V1 केवल मालूम है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, V2 बराबर, जब V2 को बाहर निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा के V1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा K का मान कितना है, 3 है, मैंने ऊपर लगाया था 3 है, और यहाँ पर V1 का मान कितना है, 80 है, तो 48 के 24 मतलब कि 200
240 वोल्ट, क्लियर है दोस्तों, 240 वोल्ट आता है। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पर 240 वोल्ट अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रयुक्त हो जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली यहाँ पर हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं क्रमवाइज, तो यहाँ पर क्रमवाइज जो दिया गया ये हमारा पहला हो गया 1000 और यहाँ पर दूसरा हमारा 3000 कुंडली हो गई, ठीक है, अर्थात ये हमारी पहली हो गई और ये हमारी दूसरी कुंडली हो गई, 3000 वाले दूसरी कुंडली हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा, तो 240 वोल्ट भागे 3000 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 240 भागे 3000 बटे, ठीक है, तो यहाँ पर अब जब इसको हम कटाएंगे, फटाफट कटाइए, देखिए ये जीरो हो जाएगा, दशमलव 08, मतलब कि यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, 0.08 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा मैंने कवर किया है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानियाँ कम की जा सकती है। ऑप्शन देख लीजिए, आयरन कोर पटलों की मोटाई कम करके, और बी ऑप्शन दिया गया स्टील पटलों सिलिकॉन अंश घटाकर, या सी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके, या डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानियाँ जो होती है वो स्टील पटलों के सिलिकॉन को हम अंश घटा करके भी कम कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और यदि भंवर धारा हानि की बात की जाए तो भंवर धारा हानि को रोकने के लिए हम ठोस इस्पात के बजाय उसके पतले पतले लेमिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्टील पल्टलो सिलिकॉन अंश घटा करके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मैंने कवर किया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर है, प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमको ऑप्शन को नहीं ध्यान देना, पहले तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम ऑप्शन को मैच कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2, अर्थात यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पर आपको धारा भी दिया गया है, इसलिए हम I भी ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आप जब इस सूत्र से लगाएंगे तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर V1 हमारा कितना दिया गया है, बताने की जरूरत ही नहीं है, V1 हमारा यहाँ पर दिया गया है 1500, देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा दिया गया है, देख सकते हैं N1 जो दिया गया है 250 यहाँ पर चक्कर, ठीक है, यहाँ पर आपको 250 दिया गया है अर्थात चक्रों की संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली V2/1500 हो जाएगा और बराबर 40, ये आपका जो 40 दिया गया N2 का मान दिया गया और N1 का मान कितना दिया गया है, 250 दिया गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो V2 को जब हम बाहर लाएंगे तो V2 बराबर हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा गुणे 40 बटे 250। अब दोस्तों जब इसको हम कटाएंगे ये आपका एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ठीक है, अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, इसको जल्दी से फटाफट गुणा भाग कीजिए, 1500 गुणे 40 है, 4 हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है और बटे 25 बचा है, सभी लोग कीजिए, देखिए यहाँ पर आपका हो जाता है 1500 × 40 बटे 250। जब इसको आप कटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 240 अर्थात 240 आएगा, ठीक है, 240 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 125 KVA, मतलब कि ये आपका क्या दिया गया है, ये आपकी रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर जब KVA दिया गया है अर्थात किलो, अर्थात जब हम ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर 25 KVA दिया गया है तो यहाँ पर जब हम के को हटाएंगे तो यहाँ पर 000 बढ़ाएंगे, अर्थात जब हमारा आ जाएगा कितना, 25000 VA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा धारा का जो सूत्र होता है क्या होता है, I VA/V। तो यहाँ पर VA मतलब कि यहाँ पर VA का मान हमने आपको अभी निकाल के दिया, 25 जो KVA था उसको मैंने K जब वहाँ पर हटाया तो यहाँ पर हमारा 25000, मतलब कि VA बराबर यहाँ पर 25000 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दोस्तों
यहाँ पर ध्यान से देखिए, और यहाँ पर आपका बटे कितना हो जाएगा 1500, तो 25,000/1500, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कटाइए फटाफट, अब यहाँ पर बचेगा 250/15, मतलब कि यहाँ पर कुछ दशमलव में आएगा, पहले तो कटा के लेते क्रम से, 15 2 3 एक बार में कटेगा, और यहाँ पर ये आपका आ जाता है कितना, ये 6 बार में जाएगा, 0.67 ये एम्पियर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 16.67 एम्पियर। अब यहाँ पर फार्मूला हमारा सेकेंड क्या कहता है कि V2/V1 = I1/I2, ठीक है। अब इस पर हमको रखना है, तो V2/V1 = I, ध्यान से देखिएगा, V2/V1 = I1/I2। अब यहाँ पर V2 का मान हमारा 240 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा V1 का मान कितना है 1500, I1 का मान अभी हमने निकाला है कितना आया था 16.67, और I2 का मान हमको नहीं मालूम है, तो I2 का मान हमको निकालना है। तो I2 को जब यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए I2 = आपका हो जाएगा 16.67 × 1500/240। तो इसको जब हम कटाएंगे एक शून्य से, तो पहले एक शून्य कटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए जब इसको हम कटाएंगे, फटाफट कीजिए, देखिए पहले तो यहाँ पर एक शून्य शून्य आ जाएगा, और 4.16, ठीक है, इतना ही आएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर 104.16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करा है, और ये किस में आएगा, तो ये आपका एम्पियर में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करा है, 240 वोल्ट और 104 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर की भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।